करते पहलवानों के समर्थन में फोगाट खा उतरी है। वहीं आपको बता दें, कुछ देर में चरखी दादरी से दिल्ली के लिए कूच करेंगे। वहीं आपको बताया, फोगाट समेत कई खापों का खिलाड़ियों को समर्थन। इस वक्त की बड़ी जानकारी, चरखी दादरी से जंतर मंतर पहुंचेंगे खापों के प्रतिनिधि। वहीं आपको बताया कि WFI के अध्यक्ष के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएगी खाप। इस वक्त की बड़ी जानकारी, तो बता दें कुछ ही देर में चरखी दादरी से जंतर मंतर की तरफ कूच करते नजर आएंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। फिलहाल जो सभी खिलाड़ी है वो तीसरे दिन भी समर्थन पर बैठे धरने पर बैठे हुए। कुछ देर में चरखी दादरी से दिल्ली की तरफ कूच करेगी खाप। इस वक्त की बड़ी जानकारी, फोगाट समेत कई खापों का खिलाड़ियों को लगातार समर्थन मिल रहा है। साथ ही आपको बता दें, चरखी दादरी से जंतर मंतर पहुंचेंगे खापों के प्रतिनिधि। और आपको बताएं, WFI के अध्यक्ष के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। तो लगातार आपको बता दें कि समर्थन कई जगह से मिल रहा है, चाहे वो खाप हो या फिर राजनीतिक पार्टियां हो। लगातार पहलवानों को, इन सभी लोगों का समर्थन मिल रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रखी है। तो फोगाट समेत कई खापों के जो प्रतिनिधि है वो खिलाड़ियों से मिलते नजर आएंगे। वहीं आपको बता दें, जंतर मंतर पर ये लोग भी पहुंचेंगे, उनके साथ धरने पर बैठेंगे, उनको समर्थन देंगे। साथ ही शिकायत भी दर्ज कराई जाएगी अध्यक्ष के खिलाफ। लगातार जो लोग हैं वो मांग कर रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह जल्द से जल्द इस्तीफा दे दें। और आपको बता दें, कमेटी को फिलहाल भंग किया जाए, उसके बाद ही बातचीत आगे बढ़ सकती है। इस वक्त की बड़ी जानकारी। वहीं खेल मंत्रालय लगातार आपको बता दें कि निगरानी रखे हुए, और इन्हीं की निगरानी में कमेटी भी बनाई जा सकती है। इस तरह की खबर सूत्रों से आ रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। तो आपको बता दें, लगातार खेल मंत्रालय आश्वासित किए हुए हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर जांच होगी। साथ ही फेडरेशन के जवाब का वो इंतजार कर रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। बता दें कि खेल मंत्रालय की तरफ से फेडरेशन को 72 घंटे दिए गए थे, जिसमें सिर्फ 24 घंटे ही बचे। 24 घंटे से ही कम समय बचा हुआ है कि जो जवाब आएगा, जिसके बाद ये जो पूरी बात है वो खुल पाएगी। वहीं आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह 12 बजे गोंडा से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, जिसमें यौन उत्पीड़न के जो उन पर आरोप लगे हैं उस पर भी वो जवाब देते नजर आ सकते हैं। तो इंडियन न्यूज हरियाणा पर इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीर आपको दिखा रही। तीसरे दिन भी ये सभी बड़े खिलाड़ी जो है वो बैठे हुए हैं। आपको बता दें, इन सभी खिलाड़ियों ने देश का नाम अलग अलग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर नाम सम्मान बढ़ाया है। और लगातार आपको बता दें, अब यही लोग मान सम्मान के लिए यहाँ जंतर मंतर पर उतरे हुए हैं, लगातार जो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। तो सुरेंद्र हमारे साथ तो जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, क्या कुछ फिलहाल जानकारी और किस तरह की स्थिति वहां बन रही है? सुरेंद्र, आवाज आ रही है आपको मेरी? तो सुरेंद्र से संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको लगातार बड़ी जानकारी बता रहे हैं कि पहलवानों के समर्थन में जो खाप है वो फोगाट खाप वो उतरी हुई है। वहीं आपको बता दें कि कुछ ही देर में चरखी दादरी से कूच करेंगे दिल्ली की ओर, उसके बाद जंतर मंतर जाएंगे और वहां पर जो सभी खिलाड़ी है उनका समर्थन करते हुए नजर आएंगे। तो सुरेंद्र हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, क्या कुछ फिलहाल जानकारी और जो खाप है वो कब तक पहुंचने वाली है? सुरेंद्र, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो खाप है वो कब तक पहुंच सकती है दिल्ली? क्या वहां से रवाना हो गए हैं? जी देखिए, अभी समस्तपुर के समीप जो संतरा कॉलेज है वहाँ इकट्ठे खाप के व सर्व कर्मचारी संघ के व सामाजिक संगठन इकट्ठे हो रहे हैं। अभी कुछ देर में यहाँ से गाड़ियां लेकर निकलेंगे जंतर मंतर के लिए। जी आपसे सुरेंद्र चाहूंगी कि अगर आपके पीछे कोई लोग हैं जिनसे आप बातचीत कर सकते हैं, उनसे बातचीत करिए और जानने की किस तरह की जो पूरी मांगे है वो लेकर वहां पर पहुंचे, किस तरह समर्थन जताएंगे। खाप के अधिकारी भी, पदाधिकारी भी हैं और यहाँ खापों के जो प्रतिनिधि हैं वो भी आए हुए हैं, हम बात करेंगे। जी आप जंतर मंतर के लिए जा रहे हैं दिल्ली के लिए, खिलाड़ियों क्या कुछ समय रहेगा और क्या कुछ आपकी मांग है? जी देखिए, हम यहाँ जो संतरा कॉलेज है वहाँ खड़े हुए हैं और भी यहाँ खाप के प्रतिनिधि हैं, वो उनसे बात करेंगे और उनसे भी पूछेंगे। जी आज आप जंतर मंतर और आपका क्या कुछ मांग रहे हैं?
जिले में जो हमारे सम्मानित हैं वहां पे उनका समर्थन, तो आज सारे दादरी जिले के पक्ष समर्थन दे के आएंगे और बिल्कुल तन मन धन से उनकी मदद करेंगे। और कल जैसे पंचायत हुई थी, उस पंचायत में जो मांग रखी थी, एक तो जो पार्टी की महासंघ के अध्यक्ष हैं इनको भाई तुरंत पद से बर्खास्त किया जाए, क्योंकि पद पे रहते हुए कोई जांच संभव नहीं है, उसमें न्याय की उम्मीद हो, और एक इनके ऊपर FIR भी दर्ज हो, FIR दर्ज करके इनको इनको जेल के अंदर ठोकना चाहिए, और जैसे इनकी जांच वो सुप्रीम कोर्ट के जज से करवाई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी निष्पक्ष हो सके। तो एक बात हम ये भी कहेंगे। ठीक है सुरेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत शुक्रिया। इसी बीच जो बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे, तो आपको बता दें।